3 महीने से बेचारे कल्पना की थी कि मुझे राम मंदिर बनाना है। हनुमान जी के मंदिर गया था मैं, हनुमान जी के मंदिर गया था और उसी दिन मैं रात को सो रहा था तो भगवान राम मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि ये मॉडल बनाओ, तो मैंने उसे दफ्ती फेविकोल और लाइट से बनाकर सजाया है। हमीरपुर जिले में कक्षा 5 में पढ़ने वाले 10 साल के बालक ने बताया कि उसके सपने में आए भगवान राम, तो फिर उसने दफ्ती से बना डाला राम मंदिर का मॉडल, जिसके बाद जिले भर में हो रही इस बालक की चर्चा। देखने में एकदम असली जैसा दिख रहा यह राम मंदिर का वो मॉडल है जिसे कक्षा 5 में पढ़ने वाले 10 साल के बच्चे आदर्श शर्मा ने बनाया है। उसका कहना है कि इस मॉडल को बनाने की प्रेरणा उसे सपने में मिली थी। उसके सपने में भगवान राम जी आए थे, बस तभी उसने राम मंदिर का मॉडल बनाने की ठानी और फिर दफ्ती से राम मंदिर का मॉडल बना डाला। 3 महीने से बेचारे कल्पना की थी कि मुझे राम मंदिर बनाना है, उसे बेचारा तन मन धन से लगा रहा और राम के मांस की जपाई जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी जैसी, उसने स्वप्न में विचार किया कि मुझे इसका राम मंदिर बनाना है। मेहनत और लगन के साथ उसने मेहनत की और राम मंदिर बनाया। उसके मम्मी पापा सभी लोगों ने इसका सहयोग किया, उसकी दादी ने सहयोग किया और आज उसकी कल्पना पूरी हो गई कि मैं राम मंदिर बना दिया। आदर्श की दादी ने बताया कि बच्चे की इच्छा देखकर उन्होंने उसकी मदद की, फिर आदर्श ने मनमोहक राम मंदिर का मॉडल बना दिया है। बच्चे को थोड़ी सी समझ में आया कि भगवान राम वहाँ अयोध्या में विराज रहे, तो उसको कुछ समझ में आया तो थोड़ा सा उसने सोचा कि हम बनाएं, तो हम लोगों ने कहा भाई बनाओ और उसमें सहयोग किया गया उसका। काफ़ी लाइट आइट लगाई, काफ़ी मेहनत करी उसने और उस बनाने के बाद फिर ये हुआ कि चलो इसको कुछ सोचा। अच्छा, समझा जाए। किस चीज़ से बनाया है बच्चे ने? बच्चे ने इसको बड़ी मेहनत करके दफ्ती से या फेविकोल लगाया, लाइट लगाई इसमें और काफ़ी मतलब मेहनत करी है उसने। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।